राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से देर रात 4 बजे लगभग अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुड़क्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलपूजा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है, 116 अस्पताल में हैं, जबकि 98 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद हैं। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। सेना की स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेन डॉग्स, जिनमें बेल्जियन, मेलिनोइस, लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल है, वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मोपाड़ी के लिए रवाना किए गए हैं। इधर केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से बुधवार को इन जिलों के शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।